lecture. So as of right now, stock market yesterday 217 points upar gayi thi. Usse pehle Monday ko stock market jo thi 570 points upar gayi thi. Lekin wo all of that 570 points, most of that were because of two companies. Ek to Boeing aur dusri Raytheon ke naam se company hai. I'll talk about that in a moment. So you can see ke June 26th ko is area mein dekhen, June 26th ko Boeing ke stock ki keemat $167 tak niche gir gayi thi. Aur phir uske baad, this is Friday, right? So Friday se Monday ke din jab ye climb hona shuru hua, to it went all the way up to $195. Theek hai, to that's more than $25 worth of change on that day. To agar aap khali yahan pe dekhen Monday morning ki open ko, to Monday morning ki open jo thi yahan pe is cell mein agar aap dekhen, to $179, takriban 180 samajh le, 180 se shuru hui hai aur 195 tak gayi hai sirf us din, $15 per share ke hisab se iska increase hua. So agar if you were invested at the right time at the right place, so you could have potentially made plenty of money in this stock alone. So for example, when you sell it, then it does not show you all of the profits that you have made. Lekin Monday ke din mera yahan pe if I go back to the chart, go under settings may show trades. Okay, so yeah, acha, so mere kuch paise yahan pe phase hue the, usse kuch din pehle मैंने काफी सारा ये खरीदा हुआ था जब when it was going down, तो जिस प्राइस पे मैंने खरीदे थे उससे भी नीचे जाता रहा ये काफी. तो लेकिन बोइंग जो थी, आई न्यू के बोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, अल्टीमेटली बाउंस बैक. तो मंडे के दिन फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो है, उन्होंने इनको वो 737 मैक्स जो इनके प्लेन ग्राउंडेड हुए हैं उनको इजाजत दे दी थी टू फ्लाई अगेन. तो वो जब उनको इजाजत मिली तो फॉरन यू नो इट हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन बोइंग्स प्राइस. तो बोइंग की इतनी ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुई के बाकी स्टॉक मार्केट जो थी, इट वाज स्टिल टम्बलिंग, इट वाज स्टिल नॉट डूइंग वेरी वेल, लेकिन बोइंग की वजह से स्टॉक मार्केट जो थी 570 पॉइंट्स ऊपर गई. तकरीबन 14% रेज था इसका उस दिन का, 14% इंक्रीज था उसकी वैल्यू में. तो अगर आपने सुबह के टाइम खरीदा यहाँ पे और शाम को बेच दिया, तो 14% एक दिन में वो प्रॉफिट बनता था. तो लेकिन ये बस उन लोगों के लिए था जो लोग बोइंग लेके बैठे थे पहले से. सो इफ यू वर नॉट, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यू वुड हैव मिस्ड दैट बोट. तो उस दिन जिस तरह से मेरे लगे हुए थे, तो तकरीबन आई मेड $10,000 इन वन अकाउंट इसी के उसमें. तो जो मेरा पहले लॉस हुआ था वो सारा रिकवर हुआ, कुछ उसके ऊपर भी कुछ बन गए. तो बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट मोमेंटम, यू नो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, ठीक है? दैट्स अ सिंपल फिजिक्स प्रिंसिपल, एवरीथिंग दैट गोज अप मस्ट कम डाउन. तो फिर क्या हुआ कि इसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर गई. अब ट्यूजडे को मार्केट जो थी ओवरऑल वाज डूइंग रिलेटिवली बेटर, लेकिन इसकी कीमत जो है 195 से ड्रॉप होके 182-183 के करीब आ गई. तो जाहिरी बात है, यू नो, जब ये अकेली इसकी स्टॉक प्राइस जो है
स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाती है तो इट ऑल्सो ब्रिंग्स इट डाउन बिग टाइम. तो कल जो था कल शाम का कल दिन का 217 पॉइंट्स का टोटल इंक्रीज हुआ था. अगर आप बोइंग को उसमें से निकाल देते बोइंग के लॉस को तो ये शायद दिस माइट बी अनदर 500 पॉइंट्स इंक्रीज. लेकिन बोइंग का लॉस जो था वो इस पूरी एवरेज को इस लिस्ट की एवरेज को इट ब्रॉट इट डाउन. बट इट स्टिल क्लोज्ड 217 पॉइंट्स पॉजिटिव. अब इस वक्त जो है यू कैन सी के ऑल स्टॉक फ्यूचर्स आर डाउन. इंटरनेशनल मार्केट्स आर मिक्स्ड. तो कैसे मिक्स्ड है क्योंकि हांगकांग जो थी उसकी थोड़ी सी यू नो इट हैड अ हाफ अ परसेंट इंक्रीज टुडे. लेकिन एवरीबडी एल्स इज डाउन. क्रूड ऑयल कल जो था $37 पे ट्रेड कर रहा था. आज 40 तक भी गया. 40 से फिर नीचे कम होके 39.73 बैरल पे आया हुआ. इसी तरह लुक एट दीज कंपनीज. फेडेक्स कॉर्पोरेशन. फेडेक्स आई एम श्योर आप लोगों को भी पता फेडेक्स क्या चीज है. राइट पैकेजेस मेल करने वाली कंपनी. यूनाइटेड पार्सल्स ऑफ UPS. Constellation Brands, Philip Morris, and Twitter. These are up. If you look at the pattern in these, you can see that jo transportation logistics provider companies hain ya package shipping companies hain unki keemtein up hain. So why do you think that would be happening? UPS or FedEx jo hai, aaj inko kya hua hai? What do you think? Because they are making more deliveries. Right. सारे buying कर रहे हैं ना. हाँ. Online buying कर रहे हैं तो they are making more. लोग घरों में बैठे हैं घरों से बैठकर buying कर रहे हैं तो जाहिर बात है इनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं. लेकिन मज़ीद देखने के लिए मज़ीद research कैसे करते हैं? Finviz पे जाएंगे, right? Finviz पे जाके इसके नीचे सारे news items जो हैं. ये देखिए आज क्या हुआ. ये देखिए वॉल स्ट्रीट सेट फॉर सबड्यूड ओपन एज वायरस सर्ज थ्रेटन्स रिकवरी. ठीक है तो जैसे ही ये इस तरह की न्यूज आती है तो जाहिर बात है जो कंपनीज दैट आर बेनिफिटिंग बिकॉज ऑफ द वायरस देयर स्टॉक्स गो अप. OW इज ड्रॉपिंग फेडेक्स स्टॉक बियॉन्ड मीट जंप. Once today, futures slipped. Boeing hit by reporting failure. Beyond Meat, Alibaba deal, FedEx scores quarter four win. So quarter four house is. Let's see what the FedEx is doing. FedEx bolted 12% higher, leading the S&P for delivering stronger than expected fourth quarter results late Tuesday. So, ये कल की news थी कल शाम की. After the market closed, they announced that they had better than expected, stronger than expected results. तो जब उनको वो ऊपर गए हैं तो UPS जो है उसके लिए क्या earned a sympathy boost. तो सिंपथी बूस्ट का मतलब ये है कि लोग जो है वो देख रहे हैं कि अगर फेडेक्स जो है उनका बेटर देन एक्सपेक्टेड है तो यूपीएस भी बेटर देन एक्सपेक्टेड होना चाहिए. लेकिन इनकी अभी क्वार्टर उसकी क्वार्टर की रिपोर्ट जो है वो अभी नहीं आ रही अभी नहीं आएगी. राइट अभी कुछ दिन रहते हैं उसको. तो दे आर एक्सपेक्टिंग जब एक कंपेरेटर ऊपर जा रहा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली द अदर कंपेरेटर मस्ट ऑल्सो बी डूइंग गुड. तो पीपल आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन यूपीएस ऑन दैट होप. इसी तरह से यूनाइटेड एयरलाइन रिवर्स्ड अर्ली लॉसेस एंड जंप मोर देन 5% ऑन टॉप ऑफ टू टॉप ऑफ द नैस्डैक 100. तो ऑफ कोर्स एयरलाइन के स्टॉक्स जो हैं दे आर ऑल हैमरेजिंग राइट नाउ. बहुत इनकी सिचुएशन जो है वो बुरी है. लेकिन बीच में कोई अच्छी न्यूज आती है जरा सी भी तो
So they jump very quickly. So the company announced it would add nearly 25,000 domestic international flights in August, nearly tripling its capacity relative to July. So yeah, isi tarah se Gilead Sciences ke naam ki company hai, rose more than 1% a day after announcing pricing for its remdesivir treatment for COVID-19 patient. So ye log keh rahe hain ki inke paas koi dawa hai jo COVID-19 ke patients ke liye effective ho sakti hai, lekin abhi bhi that medicine needs to still go through Federal Drug Administration's review. So lekin ye ke unhone chunke pricing uski अनाउंस कर दिया तकरीबन $3,000 उसकी कीमत है प्राइसिंग चूंकि अनाउंस कर दिया तो इसलिए देयर इज होप दैट दे हैव फाउंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इसी तरह से बियॉन्ड मीट जो है दिस इज अ वेजिटेरियन मीट कंपनी वेजिटेरियन मीट क्या होता है Okay, they use soybean and a few other vegetables to make a product that looks like meat. It may even taste like meat, but it is not meat. So, Akero Therapeutics, YRC Worldwide. So these are some of the stocks that are doing very well today. So coming back, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक जैसी इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं उनके सबके स्टॉक्स ऊपर नीचे जाना तकरीबन एक जैसे ही होते हैं. अच्छा इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जिनमें हम शेयर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जिनमें नहीं करनी चाहिए हमें What do you think? Philip Morris most probably in apna interest based company hogi interest usme share nahi karni they are all interest based company FedEx also UPS Philip Morris the only thing about Philip Morris they are clear making a now CBD and etc राइट तो फिलिप मॉरिसन तो बिल्कुल उसको तो हम हाथ नहीं लगा सकते राइट फिलिप मॉरिसन जो है वो बेसिकली सिगरेट और अब नाउ मैरिजुआना यू नो दे डील इन थिंग्स दैट वी डू नॉट इन्वेस्ट आवर मनी ट्विटर अच्छा फेडेक्स और यूपीएस दे आर ओके इन द सेंस के उनका बिजनेस मॉडल जो है इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी prohibited activity ठीक है religiously speaking Twitter जो है of course Twitter is a technology platform तो Twitter पर गलत चीजें जरूर हो सकती हैं लेकिन Twitter का business model जो है it is not based on anything prohibited from our perspective Constellation Brands let's see Constellation Brands ये क्या है तो what do? We right click go to another tab so that company opens up aur uska profile ka tab jo hai isko click karenge to yahan pe we should be able to see company profile jab khul raha hai yeah Constellation Brand engages in production marketing and distribution of beer wine and spirits so we know that we cannot you know there's no need to do further investigation on this company So you leave it right there. Okay, नीचे की तरफ अगर आप आएं, top losers जो हैं, Mohawk Industries, Yum Brands, General Mills, Travels Companies, Travelers Companies and Royal Caribbean. तो इसमें अगर देखें तो Travelers and Royal Caribbean ये travel related चीजें आ गईं. और जनरल मिल्स जो है ये दे मेक सीरियल्स एंड यू नो ब्रेकफास्ट आइटम्स एंड दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स फूड आइटम्स बेसिकली बट मोस्टली नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स
So engages in manufacturing and marketing of branded consumer food sold through retail stores. Operates through following segments: North America retail, convenience stores, food service, Europe and Australia, and Asia and Latin America. And pet food bhi banata hai. So reflects business with variety of grocery stores, mass merchandising, membership stores, natural food chains, drugs, dollar and discount stores, e-commerce, groceries. So again, knowing General Mills, I may be okay, lekin agar aap iski further investigation karenge, toh I'm sure kahin na kahin koi na koi meat product bhi look kar rahe honge. So these are staple companies. I'll probably stay away from this. Yum Brands and Mohawk Industries. Let's see. Okay, and Mohawk. Yum Brands operates service restaurant company which engages in development, operation, franchise, and licensing of license as a system of restaurants. It operates through following segments: KFC, Pizza Hut, and Taco Bell. So basically, KFC, Pizza Hut, and Taco Bell ke peeche jo company hai, wo ye company hai, Yum Brands ke naam se. So we'll stay away from this. Let's look at Mohawk Industries. Engages in manufacture, design, and distribution of residential and commercial flooring products. Operates through following segment: global ceramics, flooring North America, and flooring the rest of the world. Global ceramic segments comprise ceramic, porcelain, and natural stone tile products used for walls and floor applications. So this looks like a very, a company where money can be invested. This is a $6.9 billion worth of company. So it's a pretty good size company. It's not a small company. So ab yahan se aapko kya patterns mil rahe hain? Food related companies and travel related companies are doing worse today, right? Aur ab agar Mohawk Industries jo hai, agar ye kam ja raha hai, to aapka kya khayal hai? Baki hardware providers jo hain unka kya situation hogi, right? So usually if a company ends up here, especially with a 16% drop, to uska matlab ye hai ke, let's look at detail here in Finviz as well. Mohawk Industries. अच्छा 24th की न्यूज जो थी वो ये थी कि मोहॉक स्टॉक्स अप 12.6% ऑन इम्प्रूव्ड क्लीवलैंड फोरकास्ट फॉर क्वार्टर टू. तो वो आज जो डाउन है वो प्रॉब्ली इसी वजह से कि इट वेंट अप सिग्निफिकेंटली. तो अब जब ऊपर गया हुआ था तो फिर जाहिर बात है उसको वंस द न्यूज सेटल्स डाउन यूजली things calm down and come back down as well. So let's go and look at the chart for Mohawk. If you see, let's do a 10-day, 30-minute chart. So you can see that there was a huge increase from $89.89 to $104. So that was almost $12 in $14 increase on that day. तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ सेटल होके अभी भी इस वक्त इट इज ट्रेडिंग एट $101. ठीक है, तो 104 से नीचे आके 101 पे आ गया. तो दैट्स हाउ दीस थिंग्स सेटल एज वेल. ओके, एनी क्वेश्चंस? तो इसमें बेस्ट टाइम है अगर आप मोहक शेयर्स परचेज कर लें क्योंकि रेट गिरा हुआ है. दैट्स राइट. वेल अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते फ्राइडे को, नहीं फ्राइडे नहीं है ये, व्हाट इज इट, जून 22nd,
June 22nd को इसकी कीमत जो थी $89 थी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एक हफ्ते के अंदर अभी भी 101 पे खड़ी है। तो इट्स नॉट अ इट डजंट सीम लाइक इट्स अ गुड बाय इवन एट दिस टाइम। तो अगर आप 10 दिन का देखें तो पीछे 20 दिन पहले, हाँ 10 दिन पहले इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत जो थी $96 थी। आप इसको मजीद बढ़ा के देखें, लेट्स डू 6 months चार्ट। तो 6 months में अगर आप देखें तो इसकी प्राइस जो थी इट वॉज डूइंग 133। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इफ यू लुक एट इट, तो इट मे स्टिल बी अ गुड बाय। लेकिन अगर नीचे की तरफ देखें तो मार्च 20th जो सबसे बॉटम पे प्राइसेस चली गई थी, मार्च 18 से मार्च 23rd तक स्टॉक मार्केट वाज हैमरेजिंग रियली बैड। ये भी जब शुरू में कोरोना वायरस की न्यूज आना शुरू हुई थी यहाँ यूएस के अंदर, तो इट वेंट डाउन टू $56। तो अब वो $56 से $101, यू नीड टू मेक दैट कॉल के if you want to go long on this, ke paise dale isme and you don't want to worry about it for the next couple of years, so you can expect ke this will grow significantly over a long period of time. But in the short time period, I'm not too sure. So especially a market doing what it is doing, you know, it can be a very dangerous situation. So you have to be careful. You can put in a small amount of money and see how it grows. Finway jisko bol raha hai ki $74 se $110 ke darmiyan buy aur hold kiya ja sakta hai. Right. So wo aapne dekhi hongi yahan pe investor lekin जो ड्यूस बैंक है ये तो कह रहे हैं कि 77 पे सेल, राइट? लेकिन अगर आप नीचे जाएं, बकिंगहम रिसर्च वो लोग कह रहे हैं कि 115 से 117 तक न्यूट्रल है। आउट परफॉर्मर था ये। सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। रिमेंबर इन रिसर्च प्रोसेस योर गोल इज कि आप कितनी कंपनियों को रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं इसमें नहीं करना, इसमें नहीं करना, इसमें नहीं करना, यू नो, फॉर व्हाटएवर रीजंस, अंटिल यू एंड अप विद यू नो टू और थ्री कंपनीज जिस pay, you cannot find a reason to reject investment in those companies, right? So research is all about rejecting ke nahi isme nahi karna, to find reasons is company mein mujhe nahi invest karna chahiye. So until you end up with a company jisko aap absolutely you cannot decline ke unme nahi kare, क्या ये बेहतर अप्रोच होगी कि हम जो रिसेंट जो एनालिसिस है उन पे ज्यादा ट्रस्ट करें इंस्टेड ऑफ लाइक पुरानी जो स्टडीज हैं? तो जैसे कि लास्ट एनालिसिस हमारे पास आ रहा था, तो वो बेहतर ऑप्शन होगा कि अगर हम उस पे रिलाय ज्यादा करें इंस्टेड ऑफ लाइक लुकिंग बैक लाइक यू नो ओल्ड एनालिसिस। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर एक कहावत है कि ट्रेडर्स की मेमोरी जो होती है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि पीछे क्या हुआ था, एक 24 घंटे से पुरानी कहानी वो उनको याद नहीं रहती। तो देयर इज नो डाउट, यू नो, यू हैव टू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। बट देयर इज अनदर केस टू बी मेड के रियल मनी जो है, सही मानों में जैसे कहते हैं पैसा बनाना, इट इज बेस्ड ऑन टाइम नॉट टाइमिंग। समझ रहे इस चीज को? कि नॉर्मली तो हम टाइमिंग ढूंढ रहे होते हैं ना कि कब कम कीमत हो हम उसमें घुस जाएं, जब ऊपर जाएगी तो बाहर निकल आए, ठीक है, नॉर्मली दैट इज कॉल्ड टाइमिंग। लेकिन देयर इज अ केस टू बी मेड के
it's not the timing that's important. What's important is the amount of time that you have spent in an industry. For example, Amazon ko dekh le. Amazon. Let's say aapke paas $1,000 the $1,000 to invest back in, let's say, 15 year ka chart utha ke dekhte hain iska, right? 15 year ke chart mein aaj se 15 saal pehle Amazon ki keemat kitni thi yahan pe dekhen, low jo tha 2576 ka tha, nazar aa raha hai aapko ye, right? Agar aapne ye stock uthaya hota let's say 2005 mein, aapke paas $1,000 the, let's say, aur stock ki keemat jo thi $25 thi, to aapko kitne milenge? Aap 40 stocks khareed sakte the iske, right? Come on guys, sometime I need feedback. Yes, absolutely. Yes. Aapko 40 stock milte hain. And let's say कि आपने कुछ नहीं किया इन 40 स्टॉक्स के साथ पिछले 15 साल में, you just let them sit there. आज उसकी कीमत कितनी होती? देख रहे हैं कितनी कीमत? $2,758. You see this? $2,758. Sorry, yeah, 2020. 40 shares times $2,758. $1,10,000. Right? Aaj aapke wo, no, sorry. 40 shares the na? हाँ, 40 शेयर्स $1,000 के थे, तो आज वो 40 शेयर्स जो हैं, सो इसको स्विच करते हैं यहाँ से, ये 40 है और ये 1000 था, राइट? ठीक है, $1,000. नहीं यार, ये गलत है. What's wrong here? 40 shares है ना? नवीद भाई ठीक है. अच्छा, ओके. तो that $1,000 would have become $110,000. You did not touch this money, right? आपने कुछ उसको टच नहीं किया. The money kept sitting. But there's also another factor. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये नजर आ रहे हैं, इन चीजों का समझ आ रहा है आपको, नीचे क्या चीज नजर आ रही है, ये बल्ब जो है, राइट? ये अर्निंग रिपोर्ट्स आई है ना, इस दिन उन्होंने डिविडेंड्स भी पे करे हैं, राइट? तो कितना डिविडेंड पे करा है? $5 का, $4.87 का डिविडेंड था इस क्वार्टर पे, $6 का डिविडेंड था इस क्वार्टर पे, $4.90 का था, $5.81 का, $3.77 का, $2.67, $1.35, 196. So, ये सारे dividends भी मिल रहे हैं, right? Per share. इनकी भी कीमत आप मिलाते जाएं, तो this would come out to be about $200,000. And you did not do anything. Only $1,000. तो $1,000 जो है, वो that could be turned into $200,000 without any worry, without any, यानी आपने कहीं पैसा निकाला नहीं है, कहीं दोबारा invest नहीं किया, बस you just let it sit. तो वो $1,000 जो था, अगर रुपीस में आप देखें, तो 2005 में क्या क्या कीमत थी डॉलर की? ज़मान? 58. कितनी? नहीं, 2005 64 65. तो आपने 64,000 रुपया लगाया, आज कितने का डॉलर चल रहा?
170 का 170 ले सकते हैं। 18 मिलियन रुपीस हो चुके होते हैं वो, राइट? एंड यू डिडंट डू एनीथिंग, यू जस्ट पुट द मनी इन एंड यू सेट लाइक अ रिटायरमेंट अकाउंट। क्या ख्याल है, 64,000 से 18 मिलियन बुरी इन्वेस्टमेंट है क्या? नवीद भाई, हर दफा किस्मत भी तो इतनी अच्छी नहीं होती ना। हाँ ठीक है, चलें आप किसी और को उठा के देख लो। Tesla is a very good example. Tesla is not a very old company, right? 15 years ago, nobody knew. Tesla did not even exist. So let's look at another company. Let's look at Berkshire. अच्छा नवीद भाई, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि एक ये तो है ना जी कि लॉन्ग टर्म आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपने 15 साल बाद इसको वो कर दिया। अच्छा जब हम इसको कर रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं इसको ट्रेडिंग को, तो कौन से शेयर को हमें लेना चाहिए? मैंने वैसे अपना एक सोचा है कि जो शेयर आपका ऊपर जा रहा है ना जी, आप उसको ले लें एक टाइम में जब उसकी वैल्यू फर्ज करें जी $50 है, और जब वो 51 का हो गया तो आप उसको बेच दें, फिर आप उसको बाद में फर्ज करें जी वो 53 का हो गया आप उसको ले लें, फिर वो 55 का हो गया आप उसको बेच दें। तो इस तरीके से अर्निंग ज्यादा नहीं हो जाती है कंटिन्यूसली? आप लोग जो है मार्केट में भी होते हैं। हाँ तो उस तरह की ट्रेड में जारी बात है, मतलब दैट इज वन ऑफ द इजी वेज टू मेक मनी। ठीक है, तो आपने इन्वेस्ट किए, I'm sure आप लोग कर ही रहे होंगे। आपके साथ मैंने ये शुरू किया था, ये वाला अकाउंट जो था, राइट? इस अकाउंट में 100,000 से मैंने भी शुरू किया था और $2,878 जो है उस पर बन चुके हैं। तो इसी तरह से बने हैं जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया कि खरीद दिया कम कीमत पे और जैसे उसकी कीमत कुछ इंप्रूव हुई उस पर उसको बेच दिया। चैलेंज जो है वो ये है कि जब स्टॉक की वैल्यू नीचे चली जाती है तो आपको नुकसान भी उसी तरह से होता है। ठीक है, तो अब इस अकाउंट में जैसे ही मैंने लिया था तो लेते ही मैंने इसको बोइंग में ज्यादा डाल दिया था, तो बोइंग जो था इट वेंट रियली डाउन, इतना नीचे चला गया था कि इसमें मेरा नेगेटिव $8,000 हो गया था, राइट? तो दो तीन दिन वो नेगेटिव 8,000 रहा है, लेकिन अभी देख लें आपके सामने अब 3,000 से ऊपर हो गया, राइट? फिर 2,900 पे आ गया। तो जैसे जैसे उसकी प्राइस ऊपर नीचे जाती है स्टॉक की, तो यू सी अ ह्यूज डिफरेंस। सो ऑफकोर्स You can make money when the price is going up, लेकिन जब price नीचे जा रही होती है you also lose a lot of money. तो ये देखें 189 पे कर रहा है ना, तो right now what would I do? I would go ahead. Now I see there is a huge positive volume. तो I would prepare my sell order, but I would hold it until I see the first negative. राइट या ये के मैं उसको लेट्स से 25 का करना है और लिमिट ऑर्डर लगा के अगर इसकी कीमत 190 पे पहुंचती है, अभी 189 है लेकिन देखिए अब वो नेगेटिव आना शुरू हो गया, 188 पे वापस चला गया, राइट? तो आई वुड गो अहेड मार्केट ऑर्डर दिस कंफर्म एंड सेंड सो दैट आई मेक द प्रॉफिट दैट आई कैन मेक राइट नाउ। तो मैंने कल जो थी कल काफ़ी सारी ट्रेड्स करी थी खरीदने की, 182 पे काफ़ी सारे खरीदे थे, तो 182 पे जब मैंने खरीद लिया था तो अब 189 पे 188 90 पे बेचने से आई मेड सम मनी, राइट? आई मेड अबाउट व्हाट ऑलमोस्ट $7.50 पर शेयर। तो यस, यू कैन मेक मनी विद दिस, बट यू आल्सो लूज मनी व्हेन द वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक गोज डाउन। ओके, तो अब यहाँ अगर देखें आप तो बोइंग में मेरे पास बोइंग ये रहा 96 स्टॉक्स रह गए हैं मेरे पास। ठीक है, अब जब कल मैंने ट्रेड करी थी तो आई बॉट 50 स्टॉक्स फॉर 182। देख रहे हैं आप, 182 पे 50 स्टॉक्स खरीदे थे, 183.90 पे 46 स्टॉक्स खरीदे थे, लेकिन अभी आई सोल्ड 25 राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू सॉ दैट, राइट?
तो इस तरह से यू नो अगर मैं इसको भी देखूं 183 वाली ट्रेड को भी, तो उसके हिसाब से मैंने $4 तकरीबन उस पर बना लिए. तो दैट्स हाउ दिस थिंग गोज. ये देखिए 190 पे पहुंच गया ना, 190.34 पे. तो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड आई एम गोइंग टू सेल अनदर 25. -25 फिर वो नीचे आ गया. तो आई एम गोइंग टू मेक इट अ लिमिट ऑर्डर ऑफ 190.1 कंफर्म एंड सेंड. तो विल गिव इट अ फ्यू मिनट्स. नीचे से पॉजिटिव वॉल्यूम बहुत आ रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग इट. तो एज दे आर बाइंग इट, दैट्स अ दैट मींस के आई कैन होल्ड आउट, आई कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट मोर. तो दैट्स हाउ यू नो वी कैन मेक बाय. इतने सारे जब इतने सारे लोग बाय कर रहे हैं तो आखिर सेल भी तो इतने सारे लोग कर रहे होंगे, तो उनका चार्ट पे नजर नहीं आता. नहीं वो नजर आता है. ये दिखाता है कि खरीदने वाले ज्यादा हैं या बेचने वाले ज्यादा हैं. जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं तो नीचे से नेगेटिव लाइन शो होना शुरू हो जाती है. अच्छा ठीक है. तो ये रेड लाइन आ गई. तो अब इसका मतलब ये है कि इस वक्त ट्रेडिंग जो है 163,000 शेयर्स जो है, वो ट्रेड हो रहे हैं. देखें अब उसकी बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी हम उसी टाइम पीरियड के अंदर. लेकिन अगर हम यहाँ पे पीछे आए तो ये देखें 1 million के स्टॉक्स जो थे वो ट्रेड हुए थे. उनमें खरीदने वालों की तादाद ज्यादा थी बेचने वालों, तो इसी वजह से ये ग्रीन है. लेकिन जब बेचने वालों की तादाद ज्यादा होती है खरीदने वालों से तो वो नेगेटिव रेड लाइन शो होना शुरू हो जाती है. और वो ज्यादा होने का, सॉरी गो अहेड. जब बेचने वाले ज्यादा होंगे तो फिर शेयर की प्राइस तो नीचे आ जाएगी. हाँ, वो नीचे की तरफ पुल हो रही है. देख रहे हैं आप इसको, ये कैंडल जो है नीचे की तरफ बढ़ रही है लेकिन अब कम हो गई है क्योंकि खरीदना शुरू कर दिया लोगों ने. तो एट एनी गिवन टाइम, ये चूंकि 3 मिनट का चार्ट है तो ये एवरी बार रिप्रेजेंट्स 3 मिनट्स. वॉल्यूम कैसे आते हैं, वॉल्यूम वाले चार्ट कैसे आते हैं? मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं लाने की, नहीं लापर हम एक बार वापस से बता दें. व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर दिस सेटअप विद यू. तो आप उस सेटअप को जब खोलेंगे अपनी स्क्रीन पे तो यू शुड बी एबल टू सी के एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ठीक है, तो ये चार्ट सारे के सारे आ जाएंगे. इसी तरह से RSI का है. RSI देखिए, RSI कहाँ पे चल रही है, ऊपर 77% पे चल रही है. हमारा रूल क्या है कि अगर 70 से ऊपर है तो यू कैन सेल, अगर नीचे 30% से नीचे की तरफ आ जाए तो देन यू बाय. बट ऑफकोर्स दिस इज बेस्ड ऑन 3 डे चार्ट. अगर आप इसी चीज को अब RSI पे नजर रखिएगा कि अभी राइट नाउ ये 70% के पास है ना, अगर हम इसे 20 दिन का चार्ट कर लें तो RSI अभी 62 पे खड़ी है. तो इट डिपेंड्स कि आप कितने टाइम होराइजन का डेटा इस्तेमाल करके RSI कैलकुलेट कर. RSI इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. तो इसी तरह नीचे की तरफ अगर आप देखें तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज जो है वो नजर आ रही है इसकी. तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज जो है उसमें भी एवरीथिंग इज ग्रीन राइट नाउ. यहाँ पे साइड पे ये ऑर्डर बुक है कि ऑर्डर्स कितने पे आ रहे हैं, कितने पे जा रहे हैं. ये जो हाँ, तो ये उनकी सारी वैल्यूज आ रही हैं. बैक टू मॉनिटर एक्टिविटी एंड पोजिशन. आज के 2 ऑर्डर फिल हो चुके हैं, 3 अभी वर्किंग ऑर्डर्स खड़े हैं. और वर्किंग ऑर्डर्स क्या हैं? हाँ, ये 2 मेरे परचेज के लगे हुए हैं कि 180 पे 25 शेयर खरीद ले और 178 पे भी 25 शेयर्स खरीद ले. लेकिन अगर ऊपर की तरफ प्राइस जाती है, नहीं 100 का गुड टिल कैंसिल 31 ये जरूर मिलेगी. तो इसको तो मैं आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस लिमिट ऑर्डर. ओके, नीचे गिरे.
ओके तो वो जो मेरा 190 वाला था वो भी एग्जीक्यूट हो गया, देखा? तो इस तरह से अब मजीद कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका बढ़ना, उसके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वुड बी टू ड्रॉ लेवल्स, यू नो, प्राइस लेवल्स जो हमने बात करी थी, यहाँ पे तो ऑलरेडी ड्रॉ हुए हैं, राइट? तो पी एफ ई खुल गया, याद है आपको ये प्राइसिंग लेवल्स जो हमने कैलकुलेट करे थे? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस विल हिट द नेक्स्ट लेवल, तो अगली अगर मैं बेचने के लिए करूंगा तो आई वुड एस्टिमेट के 192.8 पे, 192.57 पे अगला मेरा रेजिस्टेंस का लेवल है. तो दैट्स द प्राइस आई एम एक्सपेक्टिंग if it continues to go up. So I am going to sell another 25 shares at 192.57. That's my expectation that it may touch. If it breaks through this 188 ka level, to agla price level jo hai wo 192 ka ho sakta. Agar 192 se thoda sa bhi upar jata hai, to then I can expect it to go to 196. ठीक है, अगर नीचे की तरफ आना शुरू कर दे तो 180 का लिमिट है. अगर 180 के लिमिट से की सपोर्ट लेवल अगर इससे ड्रॉप होता है तो अगला जो है वो 176 के करीब इसकी सपोर्ट लेवल बनती है. 196 से भी 176 से भी कम आ जाए तो अगली सपोर्ट लेवल 168 की है. कैसे? अगेन लुकिंग एट द डेटा, यहां से आपने उसके मुख्तलिफ 167 168, राइट? सो ये उसकी सपोर्ट लेवल थी पिछले 20 दिनों के अंदर. तो वी नो कि अगर ये 167 से नीचे गिर गया तो फिर हमें वी नीड टू गो बैक फर्दर ऑन अ लार्जर टाइम होराइजन. 30 डे का देखें अगर तो 30 डे में 130 तक भी इसकी सपोर्ट लेवल थी. तो सपोर्ट लेवल जो थी वो 130, ऊपर की तरफ हाई लेवल जो था 239. इसके दौरान ये एक महीने के अंदर रेंज है, लेकिन यू कैन नॉट वर्क ऑफ अ वन मंथ्स वर्थ ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. यू हैव टू लुक एट कि आज के दिन की कितनी है, पिछले एक हफ्ते की कितनी है, 10 दिनों की कितनी है, महीने की कितनी है. दैट्स हाउ इन दैट ऑर्डर यू गो थ्रू. ओके, so of course you make money through this process, but at the same time you also make money through time, how much time you have spent in a particular company. नवीन भाई, एक मेरा ये क्वेश्चन था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम कंपनी के किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहें, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट के काफी प्रोडक्ट्स हैं, स्काइप हो गया और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नॉट थ्रू द स्टॉक मार्केट थ्रू नहीं कर सकते. कंपनीज हो सकती हैं, अपनी कोई इंडिविजुअलाइज्ड इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन अगर देती हैं तो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन वो आपको कंपनी के थ्रू ही काम करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ डायरेक्टली जाके काम करना पड़ेगा. इफ देयर इज अ प्रोडक्ट लाइक दैट, नॉट थ्रू द स्टॉक मार्केट डज नॉट गो इनटू फर्दर आइटमाइजेशन के किन प्रोडक्ट्स के अंदर आपने करना. ओके, तो आई मिस द बोट इन हियर, तो खैर We'll see. अब ये एक और अकाउंट है, इस अकाउंट में अभी आज के दिन में $1,935 आज बन चुके हैं, right? तो लेकिन ये कि I should have sold some of it, लेकिन वो चूंकि हम दूसरे अकाउंट पे फोकस थे तो
तो अब ये नीचे आना शुरू हो गया. अब आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द डे एट सम पॉइंट इट विल अगेन गो बैक एंड टच दैट प्राइस लेवल, बट आई शुड प्रोबेबली सेट माय लिमिट ऑर्डर. तो आज की रेजिस्टेंस क्या थी अब तक की, बताएं क्या, व्हाट शुड आई पुट हियर, व्हाट इज रेजिस्टेंस फॉर टुडे? Come on, guys. भाई चल, आपने एक पहले से लाइन लगाई हुई है, कांट 184 से ऊपर 189.57 आज की जो यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई, मैक्स लाइन, ठीक है ठीक है, तो 190.51 की आज की जो थी रेजिस्टेंस थी. So I will put 190.45, you know, just to give myself a little cushion. Review order, I am putting a limit order to sell 50 shares of bond. Right, I sell and I'm done, and this order goes in limit sell. ठीक है, तो यहाँ उसकी डिटेल आ रही है. जी रवि भाई, आपका पेपर अकाउंट था कि रियल अकाउंट था? होंगे ना, तो अभी आपको नजर आएगा 190 का. तो ये देख रहे हैं ऊपर यहाँ पे रियल डेट, रियल टाइम डेटा. अच्छा, so that's how I know that this is real time data. आप अगर करेंगे तो आपके उस पे वो दिखा रहा होगा डिलेड डेटा, राइट? तो ये पेड अकाउंट होता है, पेपर मनी अकाउंट में डिलेड डेटा, 15 मिनट्स लेट होता है डेटा. ओके, तो अभी आपको कितनी प्राइस दिखा रहा है? 189 तक गया अभी. कितना? 189. हाँ, तो ये 190.57 तक जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा. तो पेपर मनी में पैसे बनाना आसान होना चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है 15 मिनट्स पहले यू नो के मार्केट में क्या हो रहा है. आपने अगर रियल टाइम डेटा देखना है तो उसके लिए हमें कैसे पता, हमें तो आपसे पता चला. हाँ, तो उसके लिए आप कोई भी वो खोल सकते हैं, याहू फाइनेंस को खोल के रख लें सामने. इसमें जिस कंपनी को भी आप ट्रैक कर रहे हैं उस कंपनी का सिंबल यहाँ डालें. Yahoo Finance ज़्यादा बेहतर है कि Google Finance बेहतर है? किसी का भी उठा लें. The data comes from the same source. ये आपको बिल्कुल fresh data मिल रहा है. ठीक है, this is live. So. जो आई है तो उसकी वजह से it went up 14%. लेकिन ultimately फिर वही बुरी न्यूज. क्या नॉर्वेजियन एयरलाइन जो थी उन्होंने अपने 93 या 94 प्लेन्स ऑर्डर किए हुए थे, दे कैंसिल देयर ऑर्डर. फिर ये कि कोरोना वायरस की सिचुएशन अभी भी आ रही है. सो नो न्यू ऑर्डर्स. लेकिन मसला ये है इस कंपनी का कि इस कंपनी के पास ऑलरेडी इतना बैकलॉग है प्रीवियस ऑर्डर्स का कि अगले कई सालों तक मुसलसल भी ये लोग जहाज बनाते रहे तो दे विल स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ ऑर्डर्स कमिंग इन. तो कंपनीज लाइक दीज, यू नो, इट्स नॉट इजी फॉर दीज कंपनीज टू गो अंडर इजीली आइदर, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है ना. मतलब पूरी यूएस मार्केट के अंदर नॉर्थ अमेरिका में दे हैव अ मोनोपोली ऑन लार्ज कमर्शियल प्लेन्स. द ओनली सीरियस कंटेंडर इज एयरबस फ्रॉम यूरोप. सो you know, इन कंपनियों को कहते हैं टू बिग टू फेल. इन कंपनियों को जब कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको फौरन कोई ना कोई
गवर्नमेंट सब्सिडीज भी मिल जाती हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर में यू नो कोई ना कोई सपोर्ट इनको मिल जाती है. सो ओके, एक तो मैं आज यही बात करना चाहता हूँ. दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज आपको आज बताना चाह रहा हूँ वो है टीयर्ड ट्रेडिंग सिस्टम. टीयर्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है, टीयर्स का पता है ना, TIERS, राइट, टीयर्स, लेवल्स या मरहले उर्दू में अगर कहना चाहते. तो टीयर्ड ट्रेडिंग के अंदर के यू सॉ हाउ आई सोल्ड, राइट, इवन दो I had almost 120 stocks here. I didn't sell all of those stocks in one order. How did I sell them? I sold them in smaller quantities. Similarly, when I buy these, I also buy them in smaller quantities. So if the price is going down, I buy some. If it goes further down, I buy a little more. That method is called tiered trading. Tiered trading, it's a very important concept. खास तौर पे जैसे stocks की values बड़ी होती है, उनके अंदर it becomes even more important that you don't jump in with a large volume in one go, and you don't exit immediately either. तो क्या होता है कि for example, अब मैंने अगर ये 170 से ये जो 71 शेयर्स मेरे रह गए हैं बोइंग के अंदर, अगर ये मैंने बेच दिए होते तो आई वुड हैव एंड और मैंने अब खरीद लिए होते, राइट. आपने देखा कि 190 से ऊपर गई है उसकी प्राइस और अब 186 पे आ चुकी है. आई शुड हैव सोल्ड इट, राइट, 190 पे बेच के अब दोबारा खरीद लेता. लेकिन उसमें मसला क्या होता है कि अगर मैं सारे के सारे बेच दूं और सारे नए सिरे से खरीदूं तो I cannot take advantage if the price had continued going up. अगर मैंने 190 पे हर चीज बेच दी होती and let's say इसकी प्राइस 194 पे चली गई है, तो in that situation I would have lost out on making that profit. Now given granted कि मैंने कुछ अपना जो है ये देख लें 3000 से ऊपर चला गया था ना, तो अब फिर वापस 2600 पे आ गया, तो आई कुड हैव लॉक्ड इन दैट $3000, बट इफ द प्राइस हैड गॉन फर्दर अप आई वुड हैव आल्सो लॉस्ट आउट इन मेक इन टर्निंग इट इनटू 4000. सो दैट्स व्हाई यू नेवर सेल ऑल ऑफ योर स्टॉक्स एट द सेम टाइम. सिमिलरली जब कीमत नीचे आ रही होती है, do you buy some of it, but you don't buy everything for the fear that the price may go further down. To aapne kuch kharida, agar price upar chali gayi aapne usko bech ke jo profit bana sakte aapne bana liya, lekin if the price keeps going down further you buy more, so ultimately when it bounces you can make more. So you buy in tiers and you sell in tiers. And hopefully you will not have to shed tears, right? So, अभी तक हमने जो कुछ भी किया है ना, ये सारे का सारा it is based on hunch. इसमें technical analysis अभी तक बहुत कम किया हमने. तो ये वो चीजें हैं कि जो कोई भी बंदा जिसको basic अगर techniques आ जाएं कि खरीदना और बेचना कैसे है, तो anybody can do it. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वी विल हैव अ लॉट मोर टेक्निकल डिटेल एज वी गो थ्रू. आपने यहाँ पे मेरे चार्ट्स को देखा होगा कि माय चार्ट्स हैव अ लॉट मोर टेक्निकल इंफॉर्मेशन. लेट्स सी इफ वी गो बैक टू 20 डेज, यू सी के इसके ऊपर काफी सारी लाइनें लगी हुई हैं, राइट. ये लाइनें, ये दीज लाइंस आर डिफरेंट स्टडीज दैट आर एडेड टू इट that inform my technical analysis. Isi tarah se agar aap yahan dekhen is area ke andar ye lines jo hai ek dusre ko cross kar rahi hai, theek hai, ye blue color ki line jo hai is yellow color ki line ke sath yahan pe cross karti hai, fir uske baad ye dobara yahan pe cross karti hai,
ये जो ऑरेंज लाइन है, दिस लाइन इज क्रॉसिंग दीज टू लाइंस. सो ऑल ऑफ दीज क्रॉसेस, व्हेनेवर दीज स्टडीज क्रॉस ईच अदर, दे कन्वे अ मैसेज. अल्टीमेटली आपको पता है कि आप किसी भी लेवल पे मौजूद हो, तो देर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज एट दिस टाइम फॉर दिस स्टार. One possibility is that this will go down. The other is that it can go up. And the third possibility is that it remains consistent, remains constant. ठीक है, इन तीन possibilities के अलावा कोई और possibility तो नहीं है. तो how do you make a determination? तो statistics के अंदर, statistical analysis के अंदर, you can make those judgments. तो अब जैसे ये नीचे से orange line आ रही है. तो दिस ऑरेंज लाइन बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल डेटा इज प्रोवाइडिंग मी. एक तो मैंने यहाँ पे प्राइस लेवल्स उसके कैलकुलेट किए थे ना बाय लुकिंग एट द चार्ट. लेकिन ये जो लाइनें आ रही हैं, ये दे आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड दिस लाइन इज गिविंग मी द सपोर्ट लेवल. तो वो जो सपोर्ट लेवल जो मैंने अपनी विजुअल बेसिस से किया था, that was one thing, ye 184.58 pe. Lekin iska jo analysis hai, this is based on statistical data. Ye mujhe keh raha hai ki 182.99 yani 183 ka resistance support level hai yahan pe. Theek hai, aur iski resistance jo thi according to this yellow line yahan pe, it should not have gone more than $186, right? तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, उसकी वीकनेसेस भी होती हैं. तो यू जस्ट हैव टू नो कि कहां पे कौन सा डेटा पॉइंट जो है बिकम्स मोर वैल्यूएबल देन द अदर्स. दैट्स वेयर द ह्यूमन पार्ट कम्स इन. ओके, सो दिस इज अ सेल ऑर्डर फॉर 25 shares at 190.94, so that's fine. I'm going to place this order, so we'll wait. On the other side, aaj ki support level kya hai abhi tak ki, agar mujhe buy ka orders share wo karna ho, set karna ho, to aaj 184.58, right? So that's my support level so far. Lekin according to this study, ye study kaun si hai, ye simple moving average hai 50 day ki. 50 day simple moving average means ke basically pichle 50 din ke data ki basis pe ye mujhe bata raha hai ke kahan pe line honi chahiye, kahan pe data hona chahiye. To according to 50 day moving average, my support level should be at $183.08. So I'm going to use that information and I'm going to set up my order accordingly. So I'm going to buy 50 shares at 183.07. Because that's what my 50-day chart is telling me. Now, is 50-day chart better than 100-day simple moving average or 20-day moving average? You know, it depends. At different points, different moving charts have different level of importance in my decision making. So, ab in lines ko add kaise karna hai? How do we add these lines? The process is very simple. You click on studies. You click on add study. And of course, there are a lot of studies, but we go to moving averages. Under moving averages, we look for simple moving average. So of course, there are different types of moving averages. Like in simple moving average is a pretty good indicator of a number of things. So we take that. And we added that. कहाँ पे ऐड हुआ है? ये वाली लाइन, I think, one of these lines. So this is 21 day. This is ना, हाँ, ये नई स्टडी की लाइन थी.
इसका कलर जो है, लेट्स से वी यूज अ डिफरेंट कलर, ग्रीन कलर यूज नहीं हुआ, तो वी यूज अ ग्रीन कलर, एंड वी वांट टू मेक इट, वी वांट टू लीव इट एज अ 9-day मूविंग एवरेज. तो ऑफ कोर्स यू कैन चेंज दैट, एंड वी गो एंड हिट ओके. So you see this green line, this is a 9-day moving average. Ye wali jo thi, this is a VWAP, this is another type of study. We'll talk about that later. This blue line is a simple moving average of 21 days. And yellow line is a simple moving average of, oh, we already had it. Nahin, this is, what is this? Oh, this is exponential moving average. So this is exponential moving average for 9 days. So we've got, in green, we've got simple moving average of 9 days. In yellow, we've got an exponential moving average for the same time period. So that's how these studies are added. So abhi, I'm not going into further detail at this point, ke inka matlab kya hai in the long run. I'm just telling you how these studies are added. Go to studies, add study, and then go to moving averages and simple moving average right now. Of course, there are different types, you know, weighted moving average, two lines, triangular, exponential ribbon, adaptive, momentum SMA, simple moving. SMA means simple moving average. So there are different types of studies. And of course, each of these have further studies associated within them. So we're not going into all those details. So right now, just use the moving averages, and within moving average, simple moving average. So how is simple moving average calculated, by the way? Any volunteers? I think this is a normal average up of volume divided by volume करेंगे और number of sizes जो भी है उस दौरान जो change आया जिन पे volume sell हुआ उसको add करेंगे तो और आगे आ जाना चाहिए. हाँ नहीं, volume is not important in a simple moving average. तो सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो बेसिकली अगर 9 एवरेज है तो पिछले 9 दिनों की जो भी एवरेज प्राइस थी उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 9. सो दैट वुड गिव यू अ सिंपल एवरेज. इसी तरह 50-day मूविंग एवरेज तो लुक एट द इमीडिएट 50 प्रीवियस डेज एंड दैट वुड बी द 50-day एवरेज. सो जैसे जैसे यू नो टुमारो होगा तो वो जो आखिरी दिन था 50वां दिन वो उसमें से निकल जाएगा. व्हाट इज 49th डे टुडे विल बिकम द 50th डे टुमारो. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज, बिकॉज़ इट्स मूविंग थ्रू द टाइम पीरियड. सो दैट्स वेयर वी आर ऑन दिस टॉपिक. सो आज हमने किन चीजों पे बात करी? हमने टियर्ड ट्रेडिंग के बारे में बात करी. वी ऑल्सो टॉक्ड अ लिटिल बिट अबाउट अबाउट हाउ टू एड स्टडीज टू योर ग्राफ. कोई क्वेश्चंस अभी तक? ओके, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू सी के आप लोग कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज में ट्रेड कर रहे हैं, सो वी कैन टेक अ लुक एट दोस. एक क्वेश्चन था, ये बाज़ अगर एम्प्टी कैंडल्स होती हैं, सिर्फ बॉर्डर होती है, बीच में कुछ नहीं होता, उसका क्या मतलब होता है? कुछ वॉल्यूम नहीं है ये, मतलब दिस the thicker part shows ki actual trades hui hain ya nahi hui hain. Ye jo wicks hain, these wicks only show ke orders kaise aa rahe hain, theek hai. So they do not mean ki order execute hua ya nahi hua. This shows that order was executed. Okay, so hume na zyada tar jo candle ka jo base hai usko focus karna chahiye banisbat wicks ke. Ha, wicks jo hain, they're just telling you ke कि आ कहां से रहेंगे, रेंज क्या है प्राइसिंग की. ओके, तो शायद साहब आपसे शुरू करें. शायद लेट्स गो अहेड.
शेयर योर स्क्रीन प्लीज. आप मुझसे कर रहे हैं? जी जी. क्या मतलब स्क्रीन शेयर करूं? जी. सो लेट्स सी हाउ यू हैव बीन ट्रेडिंग. अभी तक मैंने वैसे ट्रेडिंग की कोई नहीं है. मैं अभी तक नहीं करी है. नहीं अभी तक कुछ नहीं किया था. I was just going to see what's going on, na. तो भाई देखिए ये ट्रेनिंग प्रोसेस जो है, this is a practical course. You have to trade, ठीक है? तो कोई बात नहीं, it's okay. We'll move on. Next time के लिए आप तैयार रहिएगा. Okay. Muin, you wanna go ahead? By the way, Muin is my class fellow from my MS program, master's program, computer science ka jo Islamabad se. So he's in Germany now. Yes, sir. Okay, Muin, go ahead. Later, mein sabse pehle dekh lete hain. Okay. Ek running trading hai, maine pichle 3-4 din tak koi khas trading nahi ki. Yesterday, I sold the Boeing shares. Okay. So you're here today at about $1,089, right? So yeah, today morning it was around 1,400. Okay. Because of this, the VIR. Okay, what is VIR? 300. You know, yesterday I saw the in biotechnology. Biotech, huh. Yeah. Hmm. Okay. RTX, is it Raytheon? RTX? Yeah, Raytheon. Raytheon, पता ना Raytheon क्या करती है? It's a huge company, very big company, but they are basically into weapons manufacturing. So they are considered part of the defense industry, missiles, bombs, you know, uh-huh. types of things. I didn't do research on the companies. I just buying the share, whatever going up to check it out, what's going on. So. So you have to pay attention to those companies as well. Yeah, sure, sure. Huh. Okay. Plus, right. US companies are not my focus. I am just focusing on a company in Europe. Acha, sahi. So many European companies are also listed on the US stock exchange. ठीक है तो you can find those companies through through Thinkorswim. Okay. Okay. Nike. So you're making most of bulk of your money is coming in. The profit is. Wo Raytheon se profit mein bhi aaj loss mein chale gaye. Kal profit. Ye loss mein hai. Sahi kya? Aaj loss mein. Hmm. So what would you do if you believe in this company? If you think this is a strong company, what would you do at this point? I will hold. You'll hold, or you can add more as well if you really believe that this company's got something. Right. So that will bring your trade price. Your trade price right now is $40.40, right? For VIR. Yeah. And your market price is $37.35. So you would want to bring down your trade price. But of course, you have to be careful. You have to believe in this company that this company is a strong company. It's not going to go under. But if it is like a $4-5 million company, then you know, okay, it may not be worth spending more money. So jo hai usko hold kare, but don't add okay. too much to it, because otherwise khuda na khasa agar uski mazid niche ja rahi hogi, to then it'll cause more problems for you. Okay, good. Muin, again, you know, found a feature here in the scan, so I can put the information here. And we have not talked about the scanning portion of it yet. We will talk about this at a later stage, but right now I want you to focus on the basic techniques and strategies. So once we have mastered this, we will can I ask more complicated things. Yes, on the same point. Zero option. So, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, ये जिस तरह इन्होंने जो है ना लॉस किया है इसमें कंपनी में, और आपने उनको बताया भी कि जो है ना आप इसमें जो है ना अगर इसमें बिलीव कर रहे हैं तो आप इसमें कंटिन्यू करें, होल्ड दैट स्टॉक सो दैट इट कुड गो ऑन एंड ऑन. दूसरा जो है ना, कैन एनी इंटरवेंशन बी मेड एक्चुअली के इस कंपनी का स्टॉक जो है ना जरा ऊपर हो जाए
ताकि जो है ना ये उसमें से फिर मतलब because of that intervention that person could come out. हाँ तो वो intervention आप तो नहीं कुछ कर सकते ना, as a buyer, as a stockholder alone you cannot do anything about it. But I can see के Muin had a reason के last week it was up $50 $50.45. तो नीचे की तरफ आई है तो $36 तक भी गई है, तो he bought it at $40. So I can see that even on a simple analysis, $40 is not a bad purchase. खास तौर पे अगर उसकी resistance level जो है वो $50 का है और support level $36 का. तो even further भी पीछे जाएं तो 35 जो है वो नजर आ रहा है. What is this? This is a 10-day chart, right? Mohit? Is it a 10-day chart? Yeah, it looks like a 10-day chart. So $40 is, $40 is not really a bad price point for him to get in. It's just that it kept going down, but it has a strong support at 36 around $36 or even $35.48. So $35-$36 ki range mein it has a strong base. So lekin agar upar ki taraf aaye to if you discount the $49.79 the jo $50 ek dafa isne cross kiya usko agar aap if you discount that to uske baad jo iska support level banta hai wo $41 ka banta hai. You see that? Kam na ha ye level jo, because you can see it has touched that point a couple of times. So that's where he can, if he wants to get out, if he gets tired, if he can get out once it reaches that, if it tests that resistance. But, you know, he can safely continue to buy it all the way until $36. Lekin agar $36 se niche chali jati hai, so then he needs to expand his time horizon. Then you can see ke niche ki taraf resist jo support level tha ye kahan tha 30 some pe hai upar ki taraf jao to ha ye this is a support level. So $28-$30 jo tha that is a very safe support level within the last 3-4 months. Usse piche agar chale jaye to further down yahan pe ye $16 ka bhi support level hai aur $16 se niche about $11-$12 ka, then this is that support level. So agar ye ek resistance level ko break karta hai, ek support level ko break karta hai, to agli break jo hai iski wo 28 pe jaake lagegi. Agar usse bhi niche jata hai to then the next break is probably going to be around $16. Usse bhi agar niche drop hota hai to phir about $11-$12 yahan pe is range mein aa jayega. So this is how you keep an eye ke chart jo hai kaun si level ko test kar raha hai at any point. So it will test, it'll bounce back, you know, niche ki taraf aa raha hai to it should bounce back upward. Agar upar ki taraf ja raha tha to resistance ko touch karne ke baad jo hai it should come back downward. But if it pushes through, then you look at the next level ke agla level kya tha, kahan tak jane ke chances hain iske. So Muin, you know, you make your decisions based on that information. Right. Mera jo hai na wo second question tha wo Boeing ki company ke silsile mein. Ji ha. Okay, jis tarah uske achanak stock upar gaye hain to kya ye jo hai na temptation nahi deta shorting ki? Obviously if you are day trading, agar koi stock bahut zyada volatile hota hai to uske andar zahiri baat hai shorting ke chances bhi zyada hote hain. To uske liye Muin, can you go to finviz the website yahan pe BA और इसमें अगर नीचे देखें शॉर्ट फ्लोट 2.14% है ये राइट. तो 2.14% का शॉर्ट फ्लोट है तो विच इज नॉट अ वेरी हाई नंबर.
क्योंकि ये शॉर्ट फ्लोट जो है दिस कैन बी वेरी रिस्की एज वेल बिकॉज इसकी जो बोइंग की जो कंसिस्टेंसी है वो ये है कि इट इज पार्ट ऑफ दोज टाइप्स ऑफ स्टॉक्स दैट रिकवर देयर वैल्यू कंसिस्टेंटली ड्रॉप हो भी जाते हैं तो दे रिकवर इजीली तो जो शॉर्टिंग कर रहे होते हैं उनके लिए वो जो शॉर्ट स्क्वीज का मैंने आपको जिक्र किया था लास्ट वीक शॉर्ट स्क्वीज में अगर कोई फंस जाता है तो इट कैन बी वेरी डिजास्ट्रस बिकॉज देयर इज उसमें उसके अंदर लॉस की कोई लिमिट नहीं है तो नहीं मेरा कहने का मकसद जो है ना वो दो है ना क्योंकि स्ट्रेटजी इज अ स्ट्रेटजी राइट अगर आप शॉर्टिंग करते हैं तो आप ये जो आपने टियर ट्रेडिंग की बात की थी ना जी तो दैट माइट बी एक्चुअली समथिंग व्हिच कुड एक्चुअली ले से हेल्प आउट एक्चुअली कि आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होता और आपको तो कुछ ना कुछ फायदा जो है ना टाइम पे निकाल भी लेते हैं राइट दूसरा क्वेश्चन इसके पीछे था कि ये जो कंपनियां जो ऊपर चली जाती है मतलब नीचे आ जाती है फिर ऊपर चली जाती है जी उनमें से जहां तक मैं समझाऊं तो एक तो पार्ट होता है वो न्यूज आइटम्स का कि उनको ऑर्डर मिल गए हैं या कोई और नई चीज हो गई है या कुछ चीज हो गई है राइट इज देयर एनी पार्ट ऑफ एक्चुअली के जो है ना इतनी बड़ी कंपनी में जो है ना वो शेयर मैनेजमेंट का जो है ना वो सिस्टम है क्योंकि मुझे एक मरतबा याद पड़ता है व्हाइल आई वाज वर्किंग विद आईबीएम तो उस वक्त IBM बड़े लास्ट में चला गया था और उन्होंने एक नया CEO रखा था और इंटरनली मुझे पता चला कि उस CEO का जो पैकेज है ना दैट वाज वेरिएबल अगर शेयर प्राइसेस ऊपर जाती है तो उसको जो है ना वो ज्यादा पैसे मिलेंगे जी हाँ तो उस तरह के इंसेंटिव दोस कंपनीज डू एम्प्लॉय एक्चुअली जैसे ग्रुप ऑफ लीडर्स या मैनेजमेंट ऐसी है जो कोई ना कोई मेरे पहले क्वेश्चन की तरफ आता है कि इंटरवेंशन करती है कि उनके जो है ना सपोर्ट प्राइस या दूसरी चीजें जो है ना इतनी ड्रॉप होने नहीं देती और आगे बढ़ती है इवन दो दे मे नॉट बी एबल टू फुली कंट्रोल बट दे कुड एक्चुअली मेक सर्टेन इंटरवेंशंस टू उसको जो है ना स्लो डाउन कर सके जी हाँ CEOs जो होते हैं उनकी खास तौर पे पेस जो होती हैं वो दे आर टाइड विद द शेयर प्राइसिंग अगर शेयर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है तो उनको नुकसान होते हैं प्राइसिंग ऊपर जाती हैं तो उनको फ़ायदे भी होते हैं अभी पिछले दिनों टेस्ला जो थी क्रॉस्ड आई थिंक 900 का टारगेट था उनका तो इट क्रॉस 900 एंड दैट डे टेस्ला का CEO जो है He got 700 नहीं पता नहीं कितने millions of dollars worth of shares उसको दिए गए उस दिन because that was part of his package कि if the price of Tesla's share reaches a certain point he will get paid so that day was almost like a $70 million payday for it अब उसकी share price जो है 1000 से ऊपर है अभी कल जो थी That was $700 million has been paid by the company. $700 million. You're right. So $700 million was the payday for the CEO that day. इसी तरह से employees जो होते हैं, उनका भी यही होता है कि they may get shares. They may get shares as part of their package. जब hire करते हैं, देखिए कल जो था ये 1076 पे चल रहा था. आज इट हैज क्रॉस्ड 1100 का पॉइंट जो है तो देयर डज नॉट सीम टू बी अ ब्रेक इन दिस एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सो देयर इज नो रेजिस्टेंस लेवल देयर इज नो हायर एंड ऑन दिस तो जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं उनकी तो आज हालत खराब होगी तो अगर आप लेट मी शेयर माई स्क्रीन एक्चुअली तो ये मैं दिखा रहा था टेस्ला का कि टेस्ला जो है टुडे इज डूइंग 1121 राइट नाउ तो इट्स कांस्टेंटली गोइंग अप तो देयर इज नो हिस्टोरिक डेटा टू सजेस्ट के इसकी अब अपर लिमिट क्या होगी कहां पे जाके इसकी रेजिस्टेंस होगी तो इट इज सेटिंग इट्स रेजिस्टेंस लेवल्स एज वी स्पीक
ठीक है, पहले इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था एज ऑफ फरवरी 24th को कितना था, 839 का था, 839 से उसके बाद जो है ये नीचे ड्रॉप हुआ है तो 481 तक आया है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स प्राइस. बट देन व्हेन इट स्टार्टेड टू गो अप, लुक एट दिस, यू नो देयर इज नो ब्रेक. सो इट ब्रोक दिस लेवल ऑफ 845 का जो इसकी रेजिस्टेंस थी and it's still going up. So kyunki jo hai na wo wahi to main keh raha hu ke there is actually intervention somewhere, interventions may not be just one intervention. Ha, so the share prices, those are company wide, those are not in the control of individual traders. So the companies do it, and that's not the focus of this course, right? So companies do what they do. What we are learning is, as traders, how do we read those signals? And we read those signals when that news becomes available to us. So, agar aapko koi andar ki khabre maujood hai, toh that would be called insider trading, and that is illegal. So we, all of us, should be on the same level ground. Mera jo question tha, wo isi wajah se tha, kyunki jo hai na, wo abhi एक छोटा एनालिसिस, क्योंकि मैं इतना तो इस मार्केट में था नहीं पहले से, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो न्यूज एनालिसिस जो अभी कर रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने डॉलर को जो है ना अननेचुरली सपोर्ट किया हुआ था. आई मीन इट वाज सपोज टू गो अप एंड उन्होंने जो है ना वो 102 पे जो है ना वो रखा हुआ था. वॉट एवर दे डिड, एक्चुअली आई रियली डोंट नो मैनी थिंग्स बिहाइंड द बैक, but it went up and then up and then up and still it is going up, especially for pak rupees jo hai na wo sari cheeze hai. So that's where actually my question came ke jo hai na wo kya management kisi tarah se kis kisam ke interventions karti hai ke taaki unke stocks jo hai na wo they look better aur unki investment aati rahe. Zahir hai ke jahan se unka stock pe purchases honge higher prices pe, to unke paas investment aayegi aur aayegi, which they could use actually into many actually their projects jo naye honge, cheeze hongi wagera wagera. Right. Thank you very much. Thanks for the question. I will give actually time to the others. Okay. Who would like to go next? Kamran, Zaman, Kamran, okay. Sarish, please feel free to share your screen. Yeah, go ahead. So next, Kamran, Zaman, Imran, Bakht, Amir, please be ready. Yar Mohammed. Okay, go ahead, Sash. Share your screen, please. Ji, bas start ho raha hai. अभी आवाज आ रही है मेरी जी? ये यहाँ से मैंने अभी राइट क्लिक किया है और रीसेट ऑल पोजीशंस अभी थोड़ी देर पहले मुझसे हो गया. क्या हो गया? हेलो, okay, looks like her connection is not stable. Okay, let's move on. Imran bhai, would you like to share? Mm-hmm.
नवीद भाई शेयर तो करवा दो लेकिन थिंक एंड स्विम जो है स्टार्ट नहीं हो रहा। जी जी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। ओके स्क्रीन शेयर हो रही है स्टार्ट। आप लोग पहले से क्यों नहीं खोल के रखते हैं? जब क्लास शुरू होती है तो एवरीबॉडी शुड हैव द थिंक और स्विम ओपन ताकि जब मैं when I am walking you through it you should also be looking at your thing and swim so okay okay sir yahan se mere se abhi reset all positions ho gaya hai to wo sara data I think out ho gaya hai kya kya hua hai wo jitni do teen ye pichle dino ki mehnat thi ek hafte ki wo filhal mujhe samajh nahi aa rahi kaise out ho gayi hai मैं तो सिर्फ इनको I thought कि इनको इनकी पोजीशन सेट होंगी इस बटन को क्लिक करने से। चलो ऐसा लगता है कि आपकी सारी कंपनीज डिफॉल्ट कर गई हैं जैसे एलके कर गई थी उस दिन तो अब इसको तो अनडू करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। यू नीड टू रीस्टार्ट योर ट्रेडिंग। ओके ओके कामरान अभी नमाज के लिए गए हैं अभी 10 मिनट में आते हैं तो अच्छा ओके इमरान भाई तो शुरू है नहीं नवीन भाई मैं पहले असल में मोबाइल पे था फिर मैं बाद के ऑफिस आया हूं ओके 15 मिनट हुए हैं जमान नहीं है आई थिंक आज। अच्छा नवीन भाई आई कैन शेयर इफ यू वांट। ओके प्रशांत गो अहेड। यार मोहम्मद बख्त बी रेडी आफ्टर दिस। Yes, sir. I'm sorry, Naveed. एक मिनट से रुकेगा कि Zoom को पता नहीं क्या हो गया। It's not letting me. Okay. Share, which is a strange thing. भाई किसी next को कहते हैं वो share नहीं कर रहा पूरी screen hang कर दी है sorry. अच्छा okay. Okay. यार मोहम्मद मेरे ख्याल में स्टॉप शेयर करे तो फिर मैं कर सकूंगा। कोई ऑलरेडी स्क्रीन यस नाउ आई कैन डू इट। ओके तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है जी। तो ये जो है ऑलरेडी मैं आपको ये अभी करंट स्टेटस है मेरा मॉनिटर में। अगर मैंने बोइंग में किया था और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बोइंग में लेट्स इफ लॉस्ट। तो बोइंग में मैंने एक्चुअली मैंने 100 शेयर्स लिए थे तकरीबन 172 का मैंने जो है ना लिमिट ऑर्डर लगाया था तो 171.94 पे जो है ना मैंने बाय कर लिए थे 100 शेयर्स और फिर इसको मैंने दो लेवल्स में सेल आउट किया था। तो मैंने मतलब लिमिट लगाई थी कि 184 पे जो है यू मिस्ड आउट ऑन सैटरडेज हाई Saturday को अपना sorry Monday को तो it went to 194. Yes. So you missed out on that opportunity, right? So you could have made a lot more money on this if you had sold it on Monday evening. मगर मेरा actually मैं start में अभी इस तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर let's say मुझे 2-4 euro share पे profit मिल रहा है तो मेरे जो अभी आइडिया है कि मैं उसको सेल आउट कर लूं फिर देन आई हैव टू लुक टू बाय सम अदर शेयर्स एंड देन सी इफ लेवल इज गोइंग लिटिल अप देन आई हैव जस्ट सेल इट विद लाइक अ मार्जिन विद 2 यूरो 3 यूरो लाइक दैट। सो इस टाइम पे मैं इस एंगल से देख रहा हूं तो ज्यादा उसको होल्ड मतलब ये है कि ठीक है जब मुझे नजर आया कि ठीक है ऊपर जा रहा है और मेरे एक आइडिया बना लिया कि ठीक है इससे फिर नीचे जा रहा है तो फिर मैं इमीडिएटली उसको सेल आउट कर रहा हूं। तो मेरे जो मे भी वो नीचे बिल्कुल चला जाए और फिर मैं नहीं बाइंग करूं। ठीक है दैट्स दैट्स ओके यू नो एज लॉन्ग एज यू आर ट्रेडिंग यू नो एक्टिवली यू विल सी कि मार्केट में क्या हो रहा है तो फिर आई एम श्योर कि आपके होल्डिंग पैटर्न्स जो हैं वो भी बदल जाएंगे यू नो। तो ओके गुड गुड टू सी दैट यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। ओके रेडी फॉर द नेक्स्ट वन Mehroz, be ready after Kashan. Jeez, I'm going to screen share. Go ahead.
Please let me know if you can see it. Yep. Okay. So Naveed bhai, monitor ke lihaz se, I think I've made 2500 something. Kal tak 3000 the, aaj paise niche gaye hain. Lekin kal jo maine main trading ki thi, wo maine ki thi BA Boeing ke upar. I'll show you the chart of Boeing. Isme trades nazar nahi aa rahi. I don't know why. नजर आ रही है लिखा हुआ लिमिट ऑर्डर ऑफ 100 नहीं भाई जिस जिन पे ने परचेज और सेल किया था वो नहीं नजर आ रहा चलिए कोई नहीं सो आई मैंने भाई जिस तरह आपने बताया था हम कोशिश की कि डे ट्रेड करूं तो लोएस्ट पे लेके और जब यहां पे मेरे ख्याल से मैंने परचेज की थी कुछ कुछ स्टॉक्स एंड आई सोल्ड इट ओवर देयर फिर उसके बाद जब ये दोबारा यहां पर आया देन आई परचेस्ड अगेन फिर आई सोल्ड इट ओवर है इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सका जितना मैंने यहाँ पे इस जगह पे बनाया था ये जिससे आपने लिमिट ऑर्डर्स लगाए थे फॉर वन ईयर चार्ट वो मैंने यहाँ पे लगाए थे एंड आई वर्कड ऑन दैट कि वो जैसे ही जहां पे पहुंचेगा और इससे नीचे अगर जा रहा है तो तब भी सेल कर देने अगर वो इसको टच करने लगा तो तभी सेल कर दूंगा सो आई थिंक आई मेड $296 इतने ज्यादा वो मैंने शेयर खरीदे नहीं थे एक भाई स्टॉक है जिसपे मैं लॉन्ग हो रहा हूँ इट्स जस्ट अ हंच वो है WKHS ये ऊपर गया था 20 के हाई पे थ्री मिनट के चार्ट पे लेकिन इसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक वो कह रहे हैं कि इसकी जो शेयर प्राइस है फ्रॉम $10 से वो $26 तक अपग्रेड कर दिया उन्होंने तो आई एम होपिंग कि ये स्टॉक जो है एटलीस्ट 20 के जो हाई को हिट करेगा दोबारा यहाँ पे मैं अपने अराउंड 50% स्टॉक यहाँ पे निकाल दूंगा फिर उसके बाद ट्रेडिंग करूंगा अनदर 25 बट भाई इतने ज्यादा पैसे नहीं मैं बना सका आई लॉस्ट इन एप्पल एज वेल आई हैव लॉस्ट $1.47 इन एप्पल ठीक है ओके थैंक यू नवीद भाई एक मुझे क्विक क्वेश्चन था तो जैसे कि हम एक चार्ट के बजाय हम मल्टीपल चार्ट्स देखना चाह रहे हैं लेट से मैं चाह रहा हूँ कि साइमल्टेनियसली मैं सबको देखना चाह रहा हूँ तो वो ऑप्शन कहाँ से आएगी तो चार्ट्स में जाके नीचे चार्ट्स के नीचे सब टैब बने हुए हैं चार्ट्स का पहला टैब है दूसरा टैब है फ्लेक्सिबल ग्रिड का तो यू डू फ्लेक्सिबल ग्रिड एंड इट लेट यू ओपन अ मल्टीपल चार्ट्स You got it? Thank you. Yeah, got it. Okay. Assalamu alaikum, Naveed bhai. I'll pass it on to the next person. I'm in a meeting right now in the office. So. Achha, okay, theek hai, no problem. Okay, move on to next. Who wants to go next? Main share karata hu, Naveed bhai. Okay, go ahead. Aapne karwa diye? Achha, chalo. I don't think anybody's shared it. Imran, go ahead. Imran bhai, go ahead. Share it. ये है जी मॉनिटर $319 है जी. नहीं, you have not shared your screen yet. Imran bhai, go ahead. Share your screen first. ये share हो गई. Yep. Share. Okay. Watching. Yep. Okay. ये सूरत हाल है जी इट इज 294 हो गए हैं जस्ट विद इन अ फ्यू सेकंड्स और पहले दिन मैंने बस एक बोइंग का लिया था अभी तक वही एक ही है यूके अच्छा। काफी में इन्वेस्ट किया था वो डूब गई बेचारी अच्छा उसके अलावा आईबीएम में दो तीन दिन पहले तो काफी नीचे था अब मैं देखता हूँ कि आज इसमें क्या सूरत हाल है अभी भी ये $222 माइनस में आ रहे हैं मेरे पास तो ये भी ऊपर नहीं जा रहा अच्छा मैकडोनल्ड के 30 लिए थे ये भी मेरे ख्याल में 5-6 दिन पहले ही लिए हैं और ये इसमें कुछ मेरे ख्याल में प्रॉफिट है तकरीबन ऑलमोस्ट $5 पर शेयर का और नाइकी के भी 93 पे और 90 ऊपर चला गया है और प्रॉक्टर एंड गैम्बलर का ये भी $2 तकरीबन ऑलमोस्ट ऊपर है तो मैंने ऐसा कोई इतनी ज़्यादा वो की नहीं है मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये मेरे असल पैसे हैं कि ज़्यादा ना हो जाए
तो वो फिर उसका हालत वही होनी है जो मेरे साथ ल्यूक एंड कॉफी में हुई। और मैंने वो ल्यूक एंड कॉफी को सिर्फ इसलिए पिक कर लिया, मैंने कहा ये 1.28 से नीचे तो नहीं जाएगा, बस इसकी मैंने कहा जब ऊपर ही जाएगा। अब मैंने उसकी हिस्ट्री नहीं देखी, मैंने उसको स्टडी नहीं किया। अच्छा मैंने ये भी नहीं उसमें देखा कि ये जो है ना एक चाइनीज कंपनी है और जो है ऑफशोर कंपनी होने की वजह से मोस्ट प्रोबेबली कि ये इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये है ऑलमोस्ट अभी तक जो सिनेरियो। एक दफा ये था कि तकरीबन $1,200-1,300 पे गया है कुछ दिन पहले, राइट। उस वक्त ये आईबीएम का आई थिंक शेयर काफी ऊपर गया था, ये थी सूरत हाल, राइट। अच्छा तो इसमें जाहिर बात है ल्यूक एंड कॉफी, तो हाउ डिड यू पिक इट, हाउ डिड यू, वेयर डिड यू फाइंड दैट आउट अबाउट ल्यूक एंड कॉफी के बारे में? ल्यूक एंड कॉफी, हां, एवरीबॉडी वाज फॉलोइंग इट सो आई बॉट इट। नहीं तो we were all talking about ल्यूक एंड कॉफी, लेकिन we were talking about it in a negative sense. किसी भी वक्त पे हमने ल्यूक एंड कॉफी के बारे में पॉजिटिवली तो कोई बात नहीं करी है। इससे नीचे नहीं जाएगा डेफिनेटली, इसको पिक कर लो। अच्छा वो मैंने शेयर भी 300, मैंने कहा 300 शेयर मिल रहे हैं, ये तकरीबन $400 450 में बनेंगे। मैंने कहा अच्छा ये अगर कोई, तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर आगे चलें। अगर खाली अगर किसी कंपनी का नाम आपके सामने आया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नाम किसी पॉजिटिव रीजन से आया होगा, वो हो सकता है किसी नेगेटिव रीजन से आपके सामने नाम आ गया हो। तो एटलीस्ट यू शुड पे अटेंशन के किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है किसी कंपनी की। तो अगर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में हो रही है तो स्टे अवे फ्रॉम दैट कंपनी। दैट वाज टोटली अ नॉन सीरियस बाइंग। और उसका फिर मैंने जब इसका ट्रेड प्राइस देखा, शेयर का प्राइस, मैंने कहा 180 है तो ये अच्छी कंपनी है। फिर शायद मेरा ख्याल है मैंने इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं देखी मैंने, सिर्फ वो जो है ना अमीमिकली आप समय लेके बस इसको परचेज कर। मोस्टली जो इसके ऊपर जो बाइंग है ना, मैंने इसमें रिसर्च नहीं की, जो सबसे मेन चीज है, सारी ये हैप हैजर्ड है। और इसलिए मैंने अभी कल मैंने कोशिश की मैं करूं, कल मैंने एक का लिया है। किसका लिया है कल मैंने? ये मैंने सिस्को का लिया है, कल मैंने सिस्को का लिया है, वो भी मैंने उसको थोड़ा सा देखा। अब क्योंकि वो बैकग्राउंड क्योंकि आईटी से रिलेटेड, मैंने कहा चले ये आईटी का उठा लेते हैं। लेकिन इवन दो फिर भी ये वो चीज नहीं है कि जो इस ये जो बिजनेस है या ये जो बिजनेस मॉडल है ये उसको टोटल निगेट करता है, जिस तरीके से ये मैंने सारी ट्रेडिंग की अब तक। क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैंने ये जो 8-9 शेयर 8-9 कंपनीज के ये लिए हुए हैं, आई थिंक 9 है या 10, कि इसमें से कोई भी एक ऐसे नहीं है। हालांकि बोइंग का जो रेट था ये एक आध दफा नीचे भी आया, फिर उसको परचेज कर लेने चाहिए थे, लेकिन मैं एक से ऊपर गया ही नहीं हूँ। तो अगर आपका मैं देखूँ ना यहाँ पे, तो आई कैन सी कि आपकी बायस जो है वो अगर इवन विदाउट अ लॉट ऑफ रीजनिंग आपकी बायस ठीक है, यानी सिवाय आईबीएम और सिस्को के बाकी हर चीज में आप यूर मेकिंग प्रॉफिट। इवन मैकडॉनल्ड में यूर मेकिंग ऑलमोस्ट $5 अ शेयर प्रॉफिट। द चैलेंज इज के बिजनेस मॉडल जो है किसी भी कंपनी का, उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब मैकडॉनल्ड आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, वो आपको कहते हैं कि हर चीज हलाल बेच रहे हैं तो सही है, लेकिन दैट्स नॉट मैकडॉनल्ड्स मेन बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल जो है उसमें पोर्क भी शामिल है, उसमें यू नो बहुत सारी प्रोहिबिटेड आइटम्स जो है वो शामिल है, रिलीजियसली स्पीकिंग। तो बेसिक नॉलेज होना किसी भी कंपनी का वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यू नो इवन इन द ट्रेनिंग प्रोसेस वी शुड ट्रेन आवरसेल्व्स विद कंपनीज जिनकी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें कम से कम इतना पता है कि कोई आउटराइट प्रोहिबिशन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है? तो बट अदरवाइज आई कैन सी कि आपकी बायस
वैसे जो हैं वो ठीक हैं, अच्छी बाइज हैं. तो इफ यू पे अ लिटिल बिट मोर अटेंशन यू कैन मेक इट इवन बेटर, तो यू कैन इम्प्रूव अपॉन दिस. तो यानी यू हैव व्हाट 4, 5 and 9, you have 9 companies here, right? So out of 9 companies, only 2 companies are in negative, right? You're making, which are in big quantity, right? Shares are in big quantity, right? So baki sari companies mein aap zyada bana rahe hain. Abhi Dow ka thoda sa kam hua hai because Dow is going negative right now. So so from that perspective, you have the basic instincts. You just need to spend a little bit more time to understand ki kin companies mein kaise aap laga rahe hain. The word flaw hai is waqt tak kyunki main us time nahi de paya. Sahi. Chalo, thank you. I appreciate thank it. You. Okay, who's up next? Bakht. Even meri mostly losses mein answer. Trade. Okay. But we can't see your screen. अच्छा नवीद भाई, वो जो चार्ट्स का आपने कहा था कि उसका कोई आप लिंक भेजेंगे जिसमें वो वॉल्यूम भी नजर आएगा, आरएसआई भी, एंड अदर थिंग्स भी. सो लेट मी एक्चुअली डू दैट राइट नाउ. आई एम गोइंग टू शेयर अ लिंक विद यू गाइस. सो यू हैव टू सो दिस इज कॉल्ड शेयरिंग अ वर्कस्पेस. सो आई विल शेयर विद यू माय वर्कस्पेस जस्ट अ मोमेंट. Yeah. Okay, ye link aa gaya. So I'm putting it in the chat window. Wo usme WhatsApp pe. Theek hai. Okay, thank you. You're welcome. Assalam alaikum Naveed bhai. Wa alaikum assalam. Kamran ki taraf to party banti hai, iske itne sare isne kama liye hain. Acha. वाह जी, क्या बात है कामरान साहब. गो अहेड, गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट्स व्हाट्स एक्चुअली जो है ना मेन इसमें जो जो हेडेक रहा है वो जो है ना मेन प्राइस जो परचेजिंग वाली थी वो एक्चुअली वो अच्छी मिल गई थी. जो एवरेज जो है वो 353 आई और लास्ट टाइम भी मैंने 200 सेल किए तो वो भी अच्छे रेट में सेल आउट हुए. इस तरह बीए को लास्ट कल मैंने परचेज किया सेल करने के बाद तो 183 पे जस्ट ट्रायल बेसिस वही टीआर के मुताबिक जो है ना बेंच लगाए हुए थे डिफरेंट तो उसके वो 25 मुझे परचेज हो गया. तो ओवरऑल वही है कि मार्केट के वो एक तो एनालिसिस करते हुए वर्किंग करते हुए देखेंगे उसके तो कैसे अप एंड डाउन हो रही है तो उसी लिहाज से सेल और परचेज करें तो बंदा इंटरेस्टिंग है और इजीली जो है ना प्रॉफिट गेन कर सकता है डे ट्रेड में. बट आई थिंक डे ट्रेड में हम हाउ मच कितनी ट्रेडिंग कर सकते हैं एक ही, अगर सपोज करें एप्पल है या बीए है या कोई भी किसी भी एक को स्टॉक को उठा रहे हैं तो अगर आपका अकाउंट जो है $25,000 से ज्यादा की लिमिट का है तो फिर उसमें $25,000 से ज्यादा का बैलेंस है उसके अकाउंट के अंदर तो फिर आपके ऊपर डे ट्रेडिंग की कोई लिमिट्स नहीं होती हैं. यू कैन बाय 100 टाइम्स इन अ डे, 100 सेल 100 टाइम्स इन अ डे. जब 25,000 से कम का होता है तो एक ही स्टॉक को बार बार खरीदना और बेचना जो होता है वो सिर्फ 4 दफा अलाउड होता है एक हफ्ते के अंदर. अगर आप एक हफ्ते में 4 से ज्यादा दफा करेंगे तो दे विल स्टॉप यू, दे विल प्रिवेंट यू फ्रॉम ट्रेडिंग एनी मोर. दैट इज इन अ रियल टाइम ट्रेडिंग, नॉट इन अ सिमुलेटेड ट्रेडिंग. या वेल इवन इन सिमुलेटेड ट्रेडिंग बिकॉज़ यू हैव मोर देन $100,000 नाउ, यू हैव $100,000 बैलेंस फॉर तो यू डू नॉट हिट दैट लिमिट. तो अगर इसमें भी अगर आप नुकसान करके 25 से नीचे चले जाएंगे तो आई थिंक यू विल स्टार्ट टू हैव प्रॉब्लम्स विद डे ट्रेड्स.
आई थिंक जो मैंने ये ट्रेडिंग की है लास्ट टू वीक्स हो रहे हैं, एक मेन चीज जो मैंने वो की है कि पेशेंट आपको सब्र करना पड़ेगा। ये नहीं कि थोड़ा सा जो ना अगर आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो फौरन ही आप सेल आउट कर लें, या लॉस हो रहा है तो आप जो है ना थोड़ा सा हेडेक फील करें। तो इसमें मेन जो है वो आप इजी फील करें और रिलैक्स हों, और आई थिंक सो दैट कि ये इसको मेन एज ए बिजनेस नहीं लेना चाहिए, एज ए यानी कि आपका मेन बिजनेस और भी हो तो आप इसको जो है ना इसको प्रायोरिटी टू पे रख सकते हैं, पार्ट टाइम रख सकते हैं, ज्यादा उससे उस लिहाज से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसको एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट ले ले। सॉरी मैंने कहा इसको एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम ले ले, ये कहना चाह रहे हैं है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट वाला रिटायरमेंट वाला भी है और दूसरा भी है ऑप्शंस, लेकिन ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा ये एक ऑप्शन है कि गेन किया जा सकता है, इसमें से प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। अच्छा, तो अगर आपने एक हफ्ते में $4,000 बना लिए हैं दूसरा भी रहेगा, तो ताकि ओवरऑल टेंशन आपका ना हो कि समटाइम्स जो है ना आपको जो है ना ये इशू है कि हम पैसे नहीं आ रहे इस तरफ से, तो वो दूसरा आपका बिजनेस जो है उससे आपके कमर्स में इतनी चीजें हों जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर वो आपके वो कवर करे। सही, ओके, गुड जॉब, कीप ट्रेडिंग, थैंक यू। ओके नवीन, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक क्विक क्वेश्चन है नवीन भाई, जब भी जी नवीन भाई जब भी हम चार्ट ओपन करते हैं बेसिकली हमारी जो कैंडल्स हैं वो ऑलरेडी ज़ूम आउट हुई भी होती हैं, उसको हमने हर दफा एडजस्ट करना पड़ता है उसके व्यू को। इट शुड रिमेम्बर योर लास्ट सेटिंग, वो आप जरा बता दें, क्योंकि मैंने इवन कि मैंने वो सेटिंग सेव भी की थी और वो टेक्स्ट अपना वो डेस्कटॉप भी अपना उसमें मैंने अपना सेव किया हुआ था, डैशबोर्ड भी मैंने अपना सेव किया हुआ था, मगर वो सेटिंग जब भी मैं कोई चार्ट ओपन करता हूँ या कोई भी टिकर ओपन करता हूँ तो वो इट्स ऑलरेडी अ ज़ूम आउट हुआ होता है, तो दोबारा मुझे ज़ूम इन करना पड़ता है टू प्रॉपर गेट द सेटिंग्स डन। एक सेकंड थिंक, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एक्चुअली। ओके, तो मैंने ये अभी व्हाट्सएप के ग्रुप पे ये शेयर कर दिया है माय सेटअप। तो व्हाट यू कैन डू इज यू नो जब आप इसको करेंगे क्लिक, वेल एक्चुअली लेट्स डू इट ऑन समबडी एल्सस कंप्यूटर। मेरोज, इफ यू हैव टाइम व्हाई डोंट यू शेयर योर स्क्रीन, ओपन अप दिस लिंक दैट आई हैड जस्ट शेयर्ड on WhatsApp. Naveed, basically are you busy? Busy nahi hu, basically mera jo WhatsApp hai wo mere dusre computer mein install hai, so it'll take you a moment, just open it. agar aap mujhe is group zoom ke message mein kar dein mujhe ye link. Ha theek hai, okay, no problem, that can be done. Maine link open kiya to ye website bhi chala gaya. Sorry, kahan pe chala gaya? Website is wrong, page open kar di website. Ha, so let's Mehroz, go ahead, share your screen and so everybody else can see ke what is it that you will see. Okay, so you maine share screen kiya. Naveed bhi lagta koi screen share kar raha hai, so Muin ne kari, Muin let Mehroz share it. Ah, okay, you follow along. You'll have to stop sharing, Muin. Yeah. Okay. Mehroz, go ahead now. Ji.
महरोज अभी शेयर नहीं हुई आपकी स्क्रीन मैं नवीद भी शेयर हो गई है नोप यप ओके अच्छा आपने उस पे लिंक पे ऑलरेडी क्लिक कर दिया है हाँ जी अच्छा ओके तो मुइन होल्ड आउट आफ्टर दिस विल कम बैक टू योर स्क्रीन यहाँ पे नवीद भाई एक स्क्रीन आ गई है जिसके ऊपर एक विंडो है साइड पे आपका नाम लिखा है ऊपर एक ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन है नहीं 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 अच्छा मेरोज गो अहेड लॉग इन अभी इमरान भाई दिखाते हैं आपको सब Okay. Click on setup up top on the right corner. Yeah. Yep. Setup on the yep that one. Okay. So abhi nahi hui aapki khuli screen. So go back to that link again. That link that I sent. Oh, you. I thought you shared the full screen. Mehroz, share your screen again, and this time share the full screen, not just Think or Swim. Okay. Let me pause my share. लिंक कॉपी कर लो जी नवीद भाई शेयर हो गई है ओके सो ओपन अप योर चैट विंडो जी नवीद भाई मैं उस पर क्लिक करूं हाँ नहीं 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 दो अगेन व्हेन यू शेयर्ड इट यू ओनली शेयर्ड थिंक और स्विम यू डिड नॉट शेयर द होल डेस्कटॉप The whole desktop, yeah. Share the whole, desktop, then okay. We can see all the other windows. Okay, Nvidia. Okay. Jee Nvidia. Okay, open up your chat window. ये जूम की चैट विंडो जी जी भाई वी स्टिल कैन नॉट सी इसको स्क्रीन ही नजर आ रही चैट विंडो नजर नहीं है डेस्कटॉप नजर आ रहा है लेकिन चैट की विंडो नजर नहीं आ रही ओके इस पे गो अहेड क्लिक ऑन द लिंक जी जी भाई मैंने कर दिया Okay, what do you, okay, ठीक है, browser नजर आ रहा है, okay, that's good. So, so you see, Imran bhai, अब आप सब लोग देख लीजिए, Muin, you too.
So click on view. I already done that. Yeah, click on view in thinkorswim. Niche green button jo. Yep. Click on that link. Allow. Okay, it has okay, say okay. And open up your thinkorswim again. अच्छा इसको दोबारा ओपन करना है हाँ मतलब वही जो नीचे वो किया हुआ था ना आपने अच्छा अब नाउ गो टू सेटअप एंड यू सी एट द बॉटम इट सेज फ्रॉम नवीद बाकर क्लिक ऑन दैट जी जी प्लीज ओके हिट ओके Okay, so now you have the exact same setup that I have. Navid bhai, ye live account mein bhi same setup use hoga mera? Ji haan. Achha. Maybe you go to setup and you select the shared item that I have shared, and it will start showing you in this format. ठीक हो गया अच्छा नवीद भाई अब ये जो फॉर एग्जांपल मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे कि ऑलरेडी जूम जिसे कहते हैं ना ये जूम आउट हुई भी अब मुझे इसको दोबारा इसको क्लिक करके जूम इन करना पड़ता है ये हर एक के साथ मुझे टिकर के साथ करना पड़ेगा हाँ तो इसका आसान तरीका एक और है एक और आसान तरीका इसको जूम आउट करें ओके तो आपने जिस एरिया को करना है उस एरिया को सिलेक्ट करें माउस पकड़ के उस एरिया को सिलेक्ट करें जिसको आप जूम करना चाह रहे हैं इन द चार्ट या Whatever you want to zoom in to, हाँ इसको बस and let go, there you go. ठीक है zoom in हो गया zoom out करना है तो एक second hold on no अच्छा अच्छा go back in the chart area right click अच्छा right click yeah auto zoom it'll take you back अच्छा ठीक है तो आप उसको area को select करें And let go, so it'll zoom in, and then you auto zoom, and it'll zoom out. जैसे नवीद भी मैंने जैसे यहाँ पे जैसे एक for example नवीद भी मैंने जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पर ही zoom रखना है like जो भी मैं ticker open करूँ वो like इसी setting में view में इसी setting में रहे Is it possible or not? Yes. Go ahead. Click on any other on any other stock from the watch list. ठीक है तो this will continue to show you in that same format. अच्छा. हाँ तो ये zoom out करना पड़ेगा. नहीं नहीं यहाँ से छोड़ दें. उसी से करें auto zoom से. That's a lot easier. अच्छा तो what's happening is it remembers for each specific chart it remembers कि पिछली दफा आपने उसको कहाँ पे छोड़ा था ओके तो वो it tries to कहीं और साइड बिहान साइड पे क्लिक करें नहीं नहीं बस ऑटो ज़ूम कर देते ना if it goes right and left you just click auto zoom and it'll bring you back to the हाँ on the side ये auto zoom So it'll bring you back in that same view. So now let's say if you zoomed in on a specific area and then you moved out onto another stock. When you come back, it will remember your last setting. Jis pe aapne isko choda tha. Theek hai, lekin agar koi stock pehli dafa khol rahe hain, then it should open in this default. The default setting. In the default setting? Yeah. Okay. Anyone else? Asha, would you like to share? If you're trading? Okay, maybe not. Well, thank you everyone. So again, aaj jo hai humne tier trading ke bare mein zyada baat kari aur और हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया आज और स्टडीज को ऐड करने का देखा था राइट
तो वी टॉक्ड अबाउट दोस टू आइटम्स टू न्यू आइटम्स बाकी हमने पुराना जो हमारा रेगुलर ओवरव्यू होता है ऑफ कोर्स इसके अंदर रेपुटेशन जो है वो काफी है किसी भी प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ रेपुटेशन ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद होना शुरू हो जाए बाय प्रैक्टिस नॉट जस्ट बिकॉज कि आपको कोई रट्टा लगाना पड़े तो दैट्स माय गोल तो आई एम ग्लैड यू आर हियर इंशाल्लाह लेट्स मीट अप ऑन फ्राइडे अगेन फिर उसके बाद अगले फ्राइडे से वी विल सी के अगर जरूरत हुई तो वी विल हैव अ टच पॉइंट ऑन फ्राइडेज अदरवाइज वी विल जस्ट कंटिन्यू टू मीट ऑन मंडेज एंड वेंसडेज In the meanwhile, on a regular basis, agar aap usko trade karte rahenge, toh I can tell from looking at your screens ke Kamran jo hai, he's doing more regular training. Even though unki training bhi trading jo hai, wo bhi koi bahut zyada consistent nahi hai. So the most important thing you can get out of this course is that consistent habit of trading. If you can consistently continue to do trading, you will learn a lot more than not sharing it or not trading on it. So good luck with this. Inshallah, we'll pick up on Friday morning. Inshallah, thank you. Okay. Assalamu alaikum. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum.